जो भाई कमेंट किया था वो भाई का मूर्ति ये है, और ये 12 फीट का नहीं 10 फीट का है। सिंपल आपको गणेश जी मिलेंगे, देखो ये सिंपल गणेश जी इधर पास भी है, पीछे जो बैकग्राउंड। हे गाइस नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। और गाइस अभी मैं हूँ सुपेला रावण भाटा में, और भाई लोग कुछ भाई कमेंट किए थे कि आप सुपेला में वहाँ 10-12 फीट के जो मूर्ति बने वहाँ का एक ब्लॉग बनाओ और अच्छे से डिटेल में बताओ कि वहाँ का प्राइस कितना है और कितना सारी मूर्ति खाली है। तो इस वीडियो में फुल वही दिखाने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहना और भैया से बात करवाता हूँ। और अभी फिलहाल तो जो भी है पीछे व्हाइट सीमेंट है वो व्हाइट सीमेंट लग गया, और मैं फुल डिटेल अपने तरफ से जितनी कोशिश हुई फुल डिटेल में बताऊँगा। तो लेट्स मैं आपको शुरू पहले बाहर से दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ तो ऐसा सिचुएशन है कि बारिश हो रहा है और बारिश में मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो ये है रावण भाटाला रोड, और जस्ट आप इसको लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये शॉप है, और जो ये है 12 फीट के गणेश जी, जो भाई ने कमेंट किया था कि ये मूर्ति दिखाओ। तो भाई देख लो आपकी मूर्ति, मेरे ख्याल से 12 फीट की नहीं है, लगभग ये 9 फीट या 10 फीट के गणेश जी है। तो अभी बस वाइट कलर लगा है, अंदर जाके देखते हैं। और तो अब जैसे ही अंदर आओगे तो फिर आपको यहाँ पर है जो भैया जो अपना ओडिशा से आए, तो ओडिशा ही से जैसे ओडिशा में मतलब मूर्ति बनता है, तो ऐसे यहाँ पर सपने ओडिशा में भी इस टाइप के मूर्ति बनते, तो इस टाइप के यहाँ बने हुए हैं। तो यहाँ जो भी आपको दिखते होंगे बाहर में जो मट्टी है, मट्टी का पूरा वो साच जो सिंगार है जो भी है मुकुट उकुट है मट्टी के लेयर से बना गया है। तो ये है इधर पास छोटे छोटे 5-6 फीट के आपको गणेश जी यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो सिंपल छोटे से गणेश जी है शिवलिंग की जो पूजा कर रहे हैं, बाकी ये देखो जो 5-6 फीट के हैं, और इधर पास भी 5-6 फीट के गणेश जी है। और इधर ऑर्डर मिले थे कृष्ण जी के, तो कृष्ण जी के भी मूर्ति बनाए गए हैं। तो बाकी सब तो ये देखो यहाँ पास इतने सारे हैं, ये तो भी दिखाई दिया हूँ। और जो भाई लोग कमेंट किए थे कि देखो वो जो 12 फीट के नहीं है वो 8 फीट के मूर्ति है वो, और मैं आपको और अंदर लेके चलता हूँ यहाँ पास, और भैया से भी बात करवाता हूँ। अरे यार बारिश बहुत तेज़ हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पास देखोगे कृष्ण जी है कि क्या है पता नहीं, शिव जी और पार्वती माता दोनों उस रूप अवतार में गणेश जी बने, तो भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और बाकी वहाँ पर देखो एक तो शिव जी के अवतार में दिखाता हूँ आपको गणेश जी, यहाँ पर देखो जो शिव जी के अवतार में गणेश जी है ये भी कलर होने के बाद काफ़ी प्यारे लगेंगे। और ये जा रहे हैं कोका में, कोका में कहाँ जा रहे हैं वो तो आइडिया नहीं है, बाकी यहाँ पर सिंपल आपको गणेश जी मिलेंगे। देखो ये सिंपल गणेश जी इधर पास भी है, पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा होगा ये लकड़ी वाला है, लकड़ी में सिंपल गणेश जी है। इधर बात भी ये है लगभग 4 फीट के गणेश जी है, और इधर पर जितने भी है ये 7-6 फीट के गणेश जी, और ये लगभग 10,000-12,000 इस टाइप के रेंज में है। और बाकी तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ जो वाइट सीमेंट है अभी लग गया, फिर इसको जो फिनिशिंग देने के बाद फिर कलर स्टार्ट होगा, कलर 20 तारीख के बाद से स्टार्ट होगा। तो ये सिंपल गणेश जी इधर पास है, देखो लगभग यहाँ पूरे 5 फीट के गणेश जी है, लास्ट में आपको दिख रहा होगा वो भी काफ़ी सिंपल है, वो भी प्यारे लग रहे हैं। भैया लोग यही रूम में मतलब इसी में 4 दीवार के अंदर सब कुछ करते हैं, वर्क करते हैं और खाना वाना सब यहीं पर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो गणेश जी है मस्त ऊपर पर जो है अच्छा लग रहा है, वो फिर जो लुक है ना इसके कारण अलग से अच्छा लुक दिख रहा है। और बाकी आपको मैं इधर दिखाता हूँ छोटे गणेश जी, और इधर है लिटिल गणेश जी, काफ़ी ये भी प्यारे लग रहे हैं। और मैं इधर दिखाता हूँ तो भाई लोग देखो स्ट्रगल ऐसे होता है कि खाना भी बनाते हैं फिर उसके बाद वर्क चलता है। और यहाँ पर छोटे छोटे गणेश जी अगर घर में जो बैठाते होंगे तो मैं नंबर दे दूँगा आप उनसे बात कर सकते हो। तो ये 500 से स्टार्ट है, 500 से 800-1000 ये आपको ये इस रेंज में मिल जाएगा। बाकी तो ये जितने भी ये सब जो गणेश जी ये पूरे अभी ये बुकिंग नहीं हुए ये वाले। और इधर कृष्ण जी भी है जो जन्माष्टमी में जो कृष्ण जी बैठाते हैं उनके लिए है। और ये सब देखो ये भी ये लाइन वाले कुछ ये जो लाइन है ये बुक नहीं है, अगर आपको भी अगर अभी तक बुक नहीं किया हो तो यहाँ आके बुक करवा सकते हो, ये भी अभी सिंपल है और रेट आपको बता दिया जाएगा भैया से। और मैं आपको और इधर लेके चलता हूँ, तो यहाँ पास देखो काफ़ी सिंपल लुक में आपको गणेश जी देखने को मिलेंगे। इधर यहाँ पास भी आपको सिंपल गणेश जी है, यहाँ तो पूरे वही सिंपल है। और भाई ने अगर आपको भी कुछ पूछना था तो सीमेंट कौन सा लगता है वाइट वाला कलर, तो ये कुछ लिखा हुआ है वॉल पुट्टी है, वॉल पुट्टी का यूज़ होता है। यहाँ पास भी है तो वहाँ पास चल रहा है वर्क अंकल, तो अभी बात करेंगे नहीं अंकल क्योंकि उनको थोड़ा हिंदी आता नहीं है, जो मेन ऑनर है वो अभी कहीं बाहर गए हैं। तो यह भी शिव जी के अवतार में जो गणेश जी है
ये भी काफ़ी सिंपल है, इधर पास भी है सिंपल सिंपल, और आपको आगे से दिखाता हूँ। ओ भाई तू ये भी देखो, शिवजी के अवतार में थोड़े इधर ज़्यादा बने, और सिंपल इधर पास भी सिंपल ही है। कलर कब से भैया स्टार्ट हो जाएगा? दो तीन दिन बाद हो जाएगा ना स्टार्ट होगा। तो आप अभी तक ये मूर्ति कहाँ कहाँ जाएगा अभी? अभी तक यहाँ जितने भी ऑर्डर आए हैं तो अभी तक मतलब ऑर्डर हुए हैं ना अभी? बहुत खाली है अभी, खाली है मतलब बहुत खाली है। तो अगर आप अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किए हो तो भाई यहाँ पास रावण भट्टा में आके एक बार यहाँ पास देख के जाओ, अब जो भी रेट होगा आपको भैया मतलब 19-20 हो जाएगा। तो आप एक बार आके मूर्ति देख के जाओ यहाँ। तो बाकी सब तो है, अभी कलर अभी स्टार्ट होना ही बचा है, दो तीन दिन बाद कलर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पास बस इतनी सारी मूर्ति थे, और मैं आपको बाहर का दिखा देता हूँ फिर। पेला का यहाँ का जितने भी मूर्ति आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पे लगभग 60% मूर्ति अभी तक बुक नहीं हुए। तो भाई अगर जो भी अगर मूर्ति पसंद आई होगी तो यहाँ पर आके एक बार विजिट करिए और एक बार देखिए, जो भी अगर रेट होगा तो भैया बता देंगे, क्योंकि काफ़ी दूर से आते हैं भाई, उड़ीसा से आते हो तो समझ सकते हो, मतलब इनको भी कुछ लगना चाहिए ना। फिर बस यही था, तो कमेंट में जरूर बताना। और जो भाई को कमेंट किए थे वो बाहर वाली मूर्ति है वो वहाँ पास है, वो 12 फिट के नहीं है, वो 8-10 फिट की मूर्ति है वो, तो वो भी कोका में जाएंगे। बस यही था, तो ये वीडियो को गाइस यहीं रखते हैं। आई होप कर तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फुल धमाक धमाके के लिए। जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।